Hey guys, welcome to my channel Happy Soul Vlogs। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर रूटीन को लेके। अगर आपकी स्किन भी बहुत डल फील हो रही है और गर्मियों को लेके काफी टैनिंग हो जाती है, आप बहुत परेशान हो, तो यस मैं आज आपके लिए एक स्किन ग्लोइंग ट्रीटमेंट लेके आई हूँ जो बेसिकली हर घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, और मैं आपको हमेशा एक होम रेमेडी ही सजेस्ट करूंगी। विदाउट पार्लर आप घर पे ही पार्लर जैसा ग्लो पा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग घर की रेमेडीज पे वर्क करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हाउ यू गेट अ हैप्पी हेल्दी एंड ग्लो। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक क्लीन बोल लिया है, शहद लिया है और नींबू लिया है। अब हम शहद आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, ऑर्गेनिक हो तो आप ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून शहद लूँगी। आप देख रहे हैं शहद की कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून शहद लूँगी, और क्योंकि मेरे पास छोटा नींबू था तो मैं एक पूरा नींबू डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो आप हाफ नींबू भी ले सकते हैं, और इट्स ऑल अप टू योर स्किन। गाइस, नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, टैनिंग रिमूव करने के लिए, जो सनबर्न हो जाते हैं उसके लिए, और हमारे रिंकल्स, दाग, झुर्रियाँ, धब्बे, ये सब रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक बहुत स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, और देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें अभी कुछ कुछ नींबू के बीज हैं, हम पहले उसको हटा लेंगे क्योंकि फिर हमको बाद में फेस पर डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए चम्मच की हेल्प से धीमे धीमे हम सारे नींबू के बीज जो हैं वो अलग कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने हेयर को अच्छे तरीके से टाई कर लेते हैं ताकि वो हमारे फेस पे ना आए जब हम अपना फेस मास्क लगाएं। और ये देखिए हमारे फेस मास्क का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम हाथों से अपने फेस पे जेंटली इसको रब कर लेंगे, लगा लेंगे। याद रहे गाइस, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट इसको बहुत सॉफ्ट और जेंटली हाथों से लगाना है क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। हम अच्छे से बालों को पीछे करके पूरे ही फेस पे लगा लेंगे, नेक पे लगा लेंगे, पूरा फेस कवर कर लेंगे। गाइस, फेस पे जितना भी आप मसाज करोगे हाथों से, जितना भी उसको मसाज मिलेगा उस पर ब्लड सर्कुलेशन उतनी तेज़ी से होगा और वो ऑलरेडी ग्लो करने लगता है। तो मेक श्योर एक बार आपके फेस पे पूरी तरीके से जब पेस्ट लग जाए तो आप दोनों हाथों से धीमे धीमे उस पर मसाज भी कर लीजिएगा, तो फिर आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। ये देखिए हमारा फेस पैक पूरी तरीके से रख चुका है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए सिर्फ रखना है और 10 मिनट के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। तो गाइस, आफ्टर फेस वॉश आप देख सकते हैं चेहरा कितना साफ और चमकदार हो गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतना क्लीन हो गया है। अगर आप इसको वीक में 4 टाइम्स भी करेंगे तो आपका स्किन बहुत ग्लो करने लगेगा। गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, इसको अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।